नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कश्मीर हमारा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जो उन्होंने दिया था, जिस राष्ट्रवाद के लिए दिया था, जिस प्रखर राष्ट्रवाद के लिए दिया था, वो उनका बलिदान कामयाब हुआ। बलिदान उनका जिसके लिए दिया था वो उनकी मंशा पूरी हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रखर राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया। 1901 में उनका जन्म हुआ था और 1953 में उनकी असमय अकाल मौत हो गई थी। लेकिन इस बीच उन्होंने जो काम किए उसने देश को एक नई राह दिया। जब मुस्लिम लीग उस समय बढ़ चली थी और मुस्लिम लीग को बढ़ावा दे रहे थे अंग्रेज, ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कांग्रेस ने भी उनके आगे अपना झुका दिया, सर झुका दिया था और द्विराष्ट्रवाद की परिकल्पना को मान लिया था। लेकिन जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वेस्ट बंगाल में रहकर राजनीति की, वहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर भी हुए और उसके बाद में उन्होंने त्यागपत्र दिया, कैबिनेट के पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया और फिर जम्मू में एक बड़ी रैली की। जम्मू में एक रैली करने के बाद में उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कश्मीर को देश का संविधान ना दिला दें। ये उन्होंने वादा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चलेगा। ये उनका वादा था और इसके लिए वो पूरी कोशिश करते रहेंगे, लगातार कोशिश करते रहेंगे। दरअसल अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएं तो देखेंगे कि ये समय वो था जब अंग्रेजों को भारत छोड़ने का समय आ रहा था और जब अंग्रेज भारत छोड़ने की के समय में कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरीके से भारत को डिवाइड कर दिया जाए, भारत को कई टुकड़ों में बांट दिया जाए जिससे कि भारत कभी भी चैन से ना बैठ सके। ऐसे में प्रखर राष्ट्रवाद के प्रेरणता मुखर्जी साहब ने बीड़ा उठाया। बंगाल में उन्होंने बीड़ा उठाया कि वो इसको अलग नहीं होने देंगे। हालांकि कांग्रेस ने द्विराष्ट्र की जो परिकल्पना थी अंग्रेजों की वो उसको मान लिया। इसका विरोध किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। उसके बाद पंजाब और वेस्ट बंगाल में उन्होंने जबरदस्त तरीके से आंदोलन चलाया और जब विभाजन हुआ तो विभाजन में आधा वेस्ट बंगाल और आधा पंजाब को बचाने में वो कामयाब हो गए। ये बड़ी सफलता थी, उनकी पहली सफलता थी कि उन्होंने आधा वेस्ट बंगाल और आधा पंजाब को बचा लिया था। उसके बाद उनकी जो नज़र थी, उनकी जो निगाह थी वो कश्मीर पर थी कि किसी तरीके से ये जो दो राष्ट्रवाद का और जो कश्मीर को अलग स्टेटस दिया गया था, एक राष्ट्र दो विधान दो प्रधान का जो वो मामला चल रहा था उसको खत्म करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। और इसीलिए ना सिर्फ वो जम्मू में बड़ी विशाल रैली की बल्कि कश्मीर भी गए और कश्मीर में बिना परमिट के गए। आपको याद दिलाता चलूं कि परमिट के बिना वहां जाना उस समय संभव नहीं था। ये बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के समय की। उस समय बिना परमिट के वहां 52 की बिना पर जाना संभव नहीं था, लेकिन बिना परमिट के वो वहां पर गए। ना सिर्फ गए और उनको वहां पर नजरबंद कर लिया गया और उसके बाद 1953 में उनकी असमय मौत हो गई। तो ये है, लेकिन जो उन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया, जो प्रावधान आगे बढ़ाया, जो विधान आगे बढ़ाया, उसकी वजह से आज जो कल 370 धारा हटी है जम्मू कश्मीर से, कश्मीर की बात करें 370 धारा जो हटाया गया है उसके प्रेरणता, उसके उद्घोषक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो क्या उनका बलिदान काम आया है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। श्यामा प्रसाद जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे, स्थापक अध्यक्ष रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरे देश भर के अंदर कश्मीर की एक स्थिति के लिए आंदोलन किया। पूरे देश को मालूम है कि आज जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा है तो हमारे श्यामा प्रसाद जी के बलिदान के कारण। श्यामा प्रसाद जी एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद थे, एक प्रशिक्षित वकील थे, प्रगतिशील विचारक थे, जन्मजात राष्ट्रभक्त थे,
एक फाइटर थे, एक राइटर थे। सच्चाई और राष्ट्रभक्ति पर उनका जो आग्रह था, वो आग्रह इतना अटूट था कि उनके विचारों की स्वीकृति कितनी है उस पर वो कभी नहीं देखते थे, वो विचारों के अंदर सत्व कितना है उस पर ही देखते थे। आज अगर कलकत्ता और पश्चिम बंगाल भारत के अभिन्न अंग है, इसका यश किसी भी एक व्यक्ति को अगर देना है तो आंख बूंद कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देना। आज अगर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनकर दुनिया के सामने है और हम सब के कश्मीर के लिए प्यार है और कश्मीर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उसकी नींव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान है। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद जी ने सत्ता के लिए नहीं की थी, भारतीय जनसंघ की स्थापना केवल और केवल सिद्धांतों के कारण और नीतियों के कारण की थी और एक नई पार्टी का बीज उन्होंने बोया। मित्रों, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति अकाल ही अपना जीवन समाप्त कर एक रहस्यमय कारणों से उनकी मृत्यु हुई। उनके विचारों का जो बीज उन्होंने बोया था, आज एक वटवृक्ष बनकर पूरे भारत के अंदर अपनी छाया दे रहा है। तो ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान। याद करेगा देश उनको, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। बलिदान दिया देश के ऊपर, बलिदान दिया उन्होंने और बताया कि कैसे देश के लिए काम किया जाता है। चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं पहले आपका तारुफ करा देता हूँ, हालांकि कुछ अभी मेहमान अभी पहुँच नहीं पाए, शायद रास्ते में है। हमारे साथ में सर्वेश चंद द्विवेदी जी अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे, जो कि संपादक हैं राष्ट्रधर्म के। अशोक सिन्हा जी विश्व संवाद केंद्र के जो हेड हैं, वो अभी कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगे। ओपी सिंह साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ में हैं। हमारे साथ वीरेंद्र जी सिंह, क्षेत्र संघ चालक पूर्वी उत्तर प्रदेश के, वो कानपुर स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत ही स्वागत है। बात सीधे चलेंगे, जरा रुक करेंगे वीरेंद्र जी सिंह जी का। वीरेंद्र जी सिंह जी, क्या लगता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया, बंगाल से लड़ाई शुरू करके उन्होंने पूरे देश की लड़ाई इसको बनाई, पंजाब और बंगाल को बचाया, उसके बाद कश्मीर को वापस लाने के लिए जो युद्ध किया, जो प्रेरणादायक काम किया, वहां जाके बलिदान दिया, वो बलिदान आज उनका पूरा हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश को नई दिशा देने वाले राजनीतिज्ञ हुए। उन्होंने भारतीय जनसंघ के माध्यम से अखंड राष्ट्रवाद का प्रतिपादन किया, और चाहे वो कश्मीर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। आज हम सब जानकर अत्यंत आनंदित हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का बलिदान, उनका स्वप्न साकार हुआ है। ठीक है, उनका सपना आज साकार हो गया है। जरा रुक करेंगे ओपी सिंह साहब जी, आपको क्या लगता है कि वाकई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए जो उन्होंने काम किया, जो पूरी मेहनत की, जो पूरी मशक्कत की और उसके लिए बलिदान दिया, आज उनका ये जो सपना था वो पूरा हुआ? प्रदीप जी, देखिए ऐसा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का मानना था कि जम्मू कश्मीर में भी एक देश, एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान जी हो, और ये इसका पूर्ण विलय हो जाए भारत में, और उसी की मांग को लेकर के 1953 में उन्होंने बलिदान दिया। आज खुशी की बात है कि उनके बलिदान के 66 वर्ष बाद उनका सपना पूरा हुआ, और मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं,
इस देश की सरकार द्वारा नहीं बल्कि इस देश के 130 करोड़ जनता द्वारा उनके सपना पूरा होने पर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। और उनका जो सपना था वो 66 साल भले ही 66 साल लग गया उसको पूरा होने में, लेकिन 66 साल बाद पूरा हुआ और ये उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि। देखिए ये सोच जो थी, जो नेहरू जी की भूल थी, उसके बाद जो स्थितियां विसंगतियां जम्मू कश्मीर को लेकर के अलग संविधान, अलग कानून, अलग दोहरी नागरिकता, अलग वहां की सारी व्यवस्थाएं जो लागू हुई, उससे वो एक चिंतक थे, एक विचारक थे, वो इस देश के युग दृष्टा थे, वो जानते थे और कि इसका जो है भविष्य में जाकर के इसका कितना कुप्रभाव पड़ेगा। और आपने देखा कि उस भूल का कितना मतलब इस देश को दंश झेलना पड़ा। आज जो है अलगाववाद उसी की देन है, आतंकवाद उसी की देन है, पाकिस्तान की जो रणनीति है वो कश्मीर को ही लेकर के है। तो जो भूल हुई है उसका देश को बड़ा कीमत चुकानी पड़ी है। और वो देश को ही कीमत नहीं चुकानी पड़ी, वहां के रहने वाले लोगों को भी कीमत चुकानी पड़ी। अगर 3.5 लाख 5.5 लाख हिंदू पंडित विस्थापित हो रहे हैं तो वही जम्मू कश्मीर जो है देश से अलग रह करके उसका विकास नहीं हो पा। आज वो मुख्य धारा में आ रही और मुख्य धारा में आने के बाद पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर का अन्य प्रांतों की तरह सर्वांगीण विकास होगा। हाँ, 2-3 रियासत की सियासत करने वाली जो परिवार है उनका जरूर नुकसान हुआ है और उनको ही लग रहा है कि धारा 370 समाप्त होने से पता नहीं क्या भूचाल आ जाएगा। दूसरा जो है इसका नुकसान उन लोगों को है जो अलगाववादी परस्त हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, जो नहीं चाहते कि देश जो है वो आगे बढ़े, देश विकास करे, विश्व में देश का जो है डंका बजे, एक मजबूत राष्ट्र के उसमें हो। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को आप देखिए, जो सबसे पुरानी पार्टी जिसकी भूल की वजह से इस ये इतना बड़ा जो है देश को नुकसान उठाना पड़ा, आज भी वो भ्रम की स्थिति में है, वो समझ नहीं पा रहे कि मैं करूं क्या। आप ये देखिए कि धीरे धीरे कांग्रेस देश से समाप्त इसलिए हो रही है कि वो कांग्रेस जो है देश के मिजाज को पहचान ही नहीं पा रही। उनको पता नहीं कि जितना भी राष्ट्र हित में मोदी सरकार द्वारा पिछली सरकार में या इस सरकार में कदम उठाए गए, जिसकी 130 करोड़ जनता ने सराहना किया, 130 करोड़ जनता साथ में है उसके खिलाफ, नोटबंदी किया भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके खिलाफ, ठीक है विकेट, अलगाववादियों को जो है कमर तोड़ने के लिए रुक करते हैं। वीरेंद्र जीत सिंह जी का रुक करते हैं। वीरेंद्र जीत सिंह जी, आप तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में आपने लंबा समय व्यतीत किया, कश्मीर में भी उनके साथ में रहे, उनका जो उनके साथ बिताए गए जो पल है, उनका जो अनुभव है, अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो जनता को भी इसका लाभ मिल पाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कानपुर में जनसंघ के अधिवेशन में अध्यक्ष के तौर पर आए थे। उस समय हम लोगों को उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। वे अत्यंत ही प्रभावी वक्ता थे, साथ ही साथ शब्द का उनके ऊपर चयन और बोलने का तरीका, वो बड़े भारी पार्लियामेंटेरियन माने गए और उनकी बातचीत से हम लोग बहुत प्रभावित होते थे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कश्मीर आने पर भी हम लोग उनसे मिले और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत ही उस समय के लोकप्रिय एवं प्रभावी वक्ता थे, इसलिए हम लोगों को उनसे अत्यंत प्रेरणा ग्रहण करते थे हम लोग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पूर्ण रूप से हिंदूवादी थे, उन्होंने हिंदू महासभा के रहे और उसके कारण उनका अलगाव भी हुआ जब नेहरू लियाकत अकॉर्ड हुआ और बंगाल के अंदर शरणार्थियों का जो पूर्व बंगाल से आए थे उनके साथ में जब भेदभाव हुआ और उसके लिए हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने उसके लिए प्रतिवाद किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपने विचार भिन्नता प्रकट करके इस्तीफा दिया। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन लोगों में से थे कि जो सिद्धांत के आगे पद प्रतिष्ठा मान की चिंता नहीं करते थे, अपने विचारों को निर्भीकता पूर्वक कहते थे। ये हम लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणा का विषय था। जी,
ठीक है, हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सर्वेश चंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, संपादक हैं राष्ट्रधर्म के, संपादक नहीं निर्देशक, निर्देशक हैं राष्ट्रधर्म के। सर्वेश जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदगी भर लड़ते रहे, उनका ये मानना था जहां तक मैंने पढ़ा कि कब वो जाति या धर्म पर विश्वास नहीं करते थे, वो कहते थे हम सब एक हैं, इसलिए द्विराष्ट्र की जो परिकल्पना थी और जिसको कांग्रेस ने उस समय स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वीकार नहीं किया। और जिस तरह से उन्होंने कश्मीर की लड़ाई लड़ी, कश्मीर को भारत में विलय के लिए लड़ाई लड़ी, जम्मू में बड़ी रैली की और उसके बाद बिना परमिट के वहां पर गए, क्या लगता है कि आज जब धारा 370 हट गई है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा योगदान है उनका? देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का देश और राष्ट्र की कल्पना उनकी बहुत स्पष्ट थी। दो राष्ट्र का तो सवाल नहीं होता, राष्ट्र की संस्कृति है एक ही होता है और उसकी देश की सीमाएं, उन सीमाओं को उन्होंने विभाजित किया जिन लोगों ने, और वो श्यामा प्रसाद जी उन्हीं के साथ थे, कांग्रेस की कैबिनेट थी उसमें वो मंत्री थे और उनको ये सब छोड़ना पड़ा, इसलिए कि उनको लगा कि ये जो है ये दो राष्ट्रवाद जो है ये राष्ट्रीय कल्पना के विरुद्ध है और राष्ट्र एक है और जो विभाजन हुआ है वो उपासना पद्धति से विभाजन हुआ जिसको वो किसी कारणर से ठीक नहीं मानते थे। और फिर इसके बाद जो कश्मीर का प्रकरण आया जिसमें कि कश्मीर का अलग 370 के माध्यम से अलग संविधान और ये सब प्रक्रियाएं आई, उसका उन्होंने शुरू में विरोध किया और उन्होंने ही विरोध नहीं किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी विरोध किया। और जो प्रम्बुल है संविधान का, उस प्रम्बुल में भी एकता अखंडता की बात कही गई, तो जहां एकता अखंडता की बात है तो एक राज्य अलग कैसे रहेगा और उसमें सब कुछ सुरक्षा की दृष्टि से बाकी सब तो केंद्र सरकार देखेगी खर्च करेगी और बाकी निर्णय जो है उसके लिए देश से बिल्कुल अलग करेंगे। तो यह श्यामा प्रसाद जी ने इसलिए कहा कि एक राष्ट्र एक ध्वज और एक संविधान रहेगा और ये जो अलग अलग किया गया ऐसे तो सभी राज्यों का अलग अलग मांग होने शुरू हो जाएगी। और ये जो टेम्परेरी व्यवस्था की गई थी वो इसलिए कि ये तब तक हम इस राष्ट्र को एक राष्ट्र की कल्पना को लोगों को समझा करके और एक दिशा में चलेंगे तो राष्ट्र की यूनिटी बनेगी, लेकिन वो 70 वर्ष थे और उस दिशा में कोई काम ही पहले ही नहीं हुआ, बल्कि उन्हीं लोगों को जो इसके अलगाववादी हैं उनको पुष्ट किया गया, इसलिए ये पॉलिटिकल विषय बना करके और इसको अब तक चलाया गया। मुझे अभी भी दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से कुछ लोगों ने कुछ पार्टियों ने इसका विरोध किया है, मुझे लगता है कि उनकी नीयत साफ नहीं है इस देश के साथ, इस जनता के साथ और इस समाज के साथ, जो इस समाज को विभक्त करके और तुष्टिकरण की नीति को ला करके और अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए ये देश के हित में सबसे विलंब से हुआ लेकिन उचित रास्ते पर निर्णय लिया गया और ये वास्तव में सब बधाई के पात्र हैं, जिन पार्टियों ने जिन सांसदों ने और जिस सरकार ने इसका निर्णय लिया है वो देश के हित में है और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से है, इसलिए वो उनको सबको आभार प्रकट करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि देर से लिया गया लेकिन ऐतिहासिक और शानदार निर्णय है, ये शायद सर्वेश जी का ये मानना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीधे रुक करेंगे बीरेंद्र सिंह जी का, के पास में जाना इतना जरूरी है, उन्होंने उस पल को जिया है, वो स्वयं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में रहे हैं, उनके साथ कश्मीर में रहे हैं, कश्मीर का उनका पूरा अनुभव है, उनसे जानकारी हासिल करेंगे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम सीधा रुक करेंगे वीरेंद्र जीत सिंह जी का। वीरेंद्र जीत सिंह जी कैबिनेट में मंत्री थे, चाहते तो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लेकिन उनके अंदर जो जिज्ञासा थी, उनके अंदर जो एक राष्ट्रवाद प्रखर राष्ट्रवाद की जो जिज्ञासा थी वो उनको चैन से बैठने नहीं देती थी। क्या यही कारण है कि उन्होंने मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ में आने के पश्चात श्री बलराज जी मधो, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और परम पूजनीय श्री गुरु जी इनसे निकट संपर्क में आए और उनको वहाँ पे कश्मीर की जो राजनीति थी उसको समझने का मौका मिला। उन्होंने ये देखा कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत नहीं, शेख अब्दुल्ला त्रिराष्ट्रीय सिद्धांत चलाने जा रहे हैं, वो कश्मीर को अलग एक अपना साम्राज्य बनाने के लिए और योजना बना रहे हैं और उनको इस योजना में मदद देने के लिए
उन्होंने 1946 में एक आंदोलन क्विट इंडिया की जैसा ही महाराजा के विरोध में चलाया। उस 1946 के आंदोलन की को सपोर्ट देने के लिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तैयार हो गए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां जाना चाहते थे, महाराजा हरि सिंह ने उनको वहां जाने से रोक दिया। इस कारण शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू महाराजा हरि सिंह से व्यक्तिगत रूप से ये विषम वैमनस्य रखते थे, और इस कारण वहाँ की राजनीति में द्विराष्ट्र नहीं त्रिराष्ट्र की राजनीति चल रही थी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जानते थे कि ये जो धारा 370 है ये कश्मीर को अलगाववाद की ओर ढकेलेगी, ये अलग राष्ट्रीयता की मांग करेंगे, और भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग कोई चीज़ बनाना चाहते हैं जिसके सर्वे सर्वा शेख अब्दुल्ला ही होंगे। और इसलिए शेख अब्दुल्ला की बड़ी योजना के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के जो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह थे, इन सब ने, ब्रिटेन ये नहीं चाहता था कि कश्मीर का ये हिस्सा भारत के साथ मिले, वो कश्मीर का विलय पाकिस्तान में चाहते थे, और इसलिए उन्होंने काक नाम का एक वहाँ के कश्मीरी पंडित थे जो महाराजा के एडवाइज़र थे, उन काक को जो है वहाँ पे महाराजा के ये बताने की कोशिश की कि आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। उनकी राजनीति को समझकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने और काक के विरुद्ध बहुत सारी जानकारी एकत्रित की और महाराजा को हस्ताक्षर अभियान करके दिया कि आप सबका भारत में विलय ही होना श्रेयस्कर है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय जगदीश अग्रवाल जी और बलराज मधोक जी, ये संघ के प्रचारक वहाँ काम करते थे, संघ की कई शाखाएं वहाँ थी, और पूजनीय श्री गुरु जी इस बीच में वहाँ पे 1946 में भी उनका दौरा हुआ था और महाराजा से निरंतर संपर्क में रहते थे। एक पंजाब के जो प्रांत संघचालक थे बद्री नारायण जी, वो वकील थे महाराजा हरि सिंह के, तो महाराजा हरि सिंह के वकील होने के नाते उनका महाराजा से अच्छा संपर्क था, वे भी कोशिश करते थे महाराजा को समझाने की। क्या लगता है कि वीरेन जी, क्या लगता है कि उनको दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, अंग्रेजों से लड़ना पड़ रहा था, दूसरी ओर कांग्रेस से भी लड़ना पड़ रहा था? जी हाँ, कांग्रेस में भी खासतौर से एक कांग्रेस के भीतर ऐसा वर्ग था जो सरदार पटेल से इंस्पायर्ड था, और सरदार पटेल कश्मीर की समस्या को अलग प्रकार से डील करना चाहते थे, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का शेख अब्दुल्ला के प्रति विशेष रुझान था, और वो शेख अब्दुल्ला के को ही शासन दिया जाए ये मन बना चुके थे, और इसलिए उन्होंने महाराजा पे, जब जब महाराजा ने विलय के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने पहली शर्त ये लगाई कि शेख अब्दुल्ला को जेल से निकालिए और उनको शासन सौंपिए। इसके कारण महाराजा को भी लगा कि इनकी शायद हमको अपदस्थ करने की ही विशेष चिंता कर रहे हैं, ये देश की चिंता नहीं कर रहे हैं। और इस कारण डॉक्टर, रुक करते हमारे साथ में, ठीक है आप बने रहिए वीरेन जी, हम आपसे और अभी जानकारी हासिल करेंगे कश्मीर के बारे में, और आपसे जानकारी हासिल करेंगे। ओपी सिंह साहब के पास, ओपी सिंह साहब, क्या लगता है कि कांग्रेस की जो 66 साल पहले गलतियां थी, या इतिहास के, या हम स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की जो गलतियां थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की जो गलतियां थी, उसका खामियाजा अब उसको भुगतना पड़ रहा है? जी बिल्कुल सही है, ये पूरा देश जानता है। जो नेहरू जी ने उस समय जो संधि किया था जम्मू कश्मीर को लेकर के, और जिस प्रकार का एक तरफा उसकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, सब उसको संवैधानिक अधिकार, कानून या जितने भी अधिकार दिया, वो उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी, और उनकी इस भूल के कारण ही, क्या एक एक सवाल है, क्या उनका अपना स्वार्थ था इसमें कि जिन्ना वहां के बिल्कुल बिल्कुल, और वो कश्मीर का बन जाए उनका, और उनका निष्कंटक राज यहाँ पर चले? बिल्कुल बिल्कुल, आपने प्रदीप जी, आपने मेरे मन की बात कह दी जी, और ये बड़ा गोपनीय तरीके से इन्होंने समझौता किया था, ये सोच समझ करके किया था, और जो गलती उन्होंने किया वही गलती कांग्रेस आज भी कर रही है। कांग्रेस भ्रम की स्थिति में है, वो देश के मिजाज को समझ ही नहीं पा रही। आप देखिए, मैं इसके पहले भी कह रहा था कि राष्ट्रहित में जो भी, मतलब मोदी जी ठीक है भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन उससे पहले देश उनसे बड़ा है, और देश की जो हित की बात आएगी
तो वहां तो हमको अपने विचारधारा जो हमारा मतभेद मनभेद या हमारा जो विरोध करने का है वो करिए बिल्कुल। लेकिन आपने बताइए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मोदी जी ने एक साहसिक कदम उठाया नोटबंदी का, आपने उसका विरोध किया, देश ने उसका परिणाम देखा। अच्छा परिणाम क्या देखा कि हमको और राज्यों में सरकार दे दिया देश की जनता ने, हमको केंद्र में और भारी बहुमत से सरकार दे दिया, तीन तलाक, जिसको कि तीन तलाक हमारे संकल्प पत्र में है। जब तीन तलाक और बाकी मुद्दों पर बाद में बात करेंगे, आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वामी जो मुखर्जी साहब का बलिदान है वो उनका बलिदान आज सफल हुआ है। और चूंकि 370 करीब करीब स्क्रैप कर दिया गया, करीब करीब हटा दी गई है पूरी तरीके से, तो आज यही कारण है कि हम लोग भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि उनके ही कारण जो उन्होंने जो प्रेरणा दी उसकी वजह से ही 370 आज खत्म हुई है। और कश्मीर का हमारे देश में आज वास्तविकता में पूरी तरीके से विलय हो गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद सर्वेश जी के पास चलेंगे, जरा उनके भी अनुभव साझा करेंगे कि आखिर देश क्यों इतनी अच्छी तरीके से खुशियां मना रहा है, क्या ये इसके पीछे मुखर्जी साहब का योगदान है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, सर्वेश जी के पास चलेंगे। सर्वेश जी, आज मुखर्जी साहब के आगे बड़े से बड़ा पद कोई मायने नहीं रखता था, उनके आगे सिर्फ राष्ट्रवाद ही था, और यही कारण है कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए उन्होंने अपना पद त्याग दिया। कैबिनेट जैसे उद्योग मंत्री थे उसको उसका भी मोह नहीं किया। देखिए मुखर्जी जी इस देश के गौरव हैं, उन्होंने इस देश को भारतीयता, राष्ट्रीयता और देश को अखंड रखने का जो संकल्प उन्होंने रखा, उसी आधार पर उन्होंने जनसंघ की स्थापना का कार्य भी किया, और उसमें परम पूज्य गुरु जी, दीनदयाल जी जैसे, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे लोगों को लगा करके, और उन्होंने जनसंघ को खड़ा किया, और उसी के माध्यम से वो कश्मीर गए और उसका विरोध किया कि हम यहाँ पासपोर्ट उसकी जरूरत नहीं है, हम सीधे जाएंगे, ये देश का अंग है। और वैसे भी भारतीय संस्कृत में जम्मू दीपे भारत खंडे अरय वर्ते, इसके हम संकल्प लेते हैं, तो कश्मीर तो उसका अंग है। और एक और बड़ी बात है कि जो शैव दर्शन है वो शैव दर्शन भी कश्मीर का ही है, शिव और शक्ति का शैव दर्शन जो कश्मीर का है, जिसको सुनियोजित तरीके से नष्ट किया गया, और ये जो राजनीतिक पश्चिमी अवधारणा है उसको लेकर के इसको सुनियोजित जो कार्य किया गया उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी समझते थे, और इसलिए उन्होंने इस दिशा में राजनीतिक हल निकालने के लिए अपना पूरा बलिदान किया। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, आधी लड़ाई तो उन्होंने जीवित रहते जीत लिया था जी। जब दो राष्ट्र की कल्पना हुई, बात हुई, उसके बाद उन्होंने पंजाब और बंगाल का भी विभाजन करने की बात की जी। जिसकी वजह से आधा पंजाब और आधा बंगाल हमारे पास रह गया था जी। तो उन्होंने जो जो ये विभाजन रोका जी, और जो ये कश्मीर को रोका, आज जो ये स्थिति है ये उन्हीं के बलिदान और उनको उनको समर्पित कार्यकर्ता, वो बढ़ते बढ़ते समाज में ऐसी जागृत हुई कि आज समाज जो है किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के सुनने वाला नहीं है, आज समाज जो है राष्ट्र के प्रति साथ चलने वाला है, और इसलिए वह शक्ति सामर्थ्य समाज ने पैदा की है, जिसके कारण ये आज सरकार को करने का बल मिला है। और मुझे लगता है कि श्यामा प्रसाद जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों के आत्मा को आज शांति मिली होगी कि ये हमारे द्वारा जो हम विरोध करते थे और जो हम चाहते थे, आज उस दिशा में और सरकार और समाज कार्य कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये पाकिस्तान कुछ नहीं है, ये जो सुनियोजित षड्यंत्र है ये उसके कारण है, और ये जो ऑक्युपाई कश्मीर है ये भी हल होगा, ये इसके लिए जो छुटपुट विरोध है ये सब विदेशी दृष्टि से है विरोध, कोई इनका अपना कुछ नहीं है, और इसलिए इस विरोध को भी समाज देख रहा है और समाज ही इस पर अंकुश लगाएगा और आगे चल करके ये सब समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए राष्ट्र जागरण हो रहा, राष्ट्र शक्तिशाली हो रहा, और इस राष्ट्र के लिए ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ है। इसलिए यह गौरव की बात है कि आज यह इस निष्कर्ष पर समाज पहुंच रहा है। बीरेंद्र जी के साथ चलते हैं। बीरेंद्र जी सिंह जी, आप जब कश्मीर में उनके साथ में थे, जब उन्होंने एक विशाल रैली की थी जम्मू में और कहा था कि हम एक देश दो विधान दो प्रधान स्वीकार नहीं करेंगे, कैसा था वो अनुभव आपका?
भारतीय जनसंघ का जम्मू में उस समय शाखा नहीं थी, प्रजा परिषद के द्वारा उस समय ये रैली की गई थी। पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा उस समय उसके प्रजा परिषद के अध्यक्ष थे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी संघ चालक थे, और इसलिए ये विषय जब वहां पे आया तो भारतीय जनसंघ और हिंदू महासभा इन दोनों ने प्रजा परिषद के आंदोलन में ज्वाइन कर लिया और सबने मिलकर एक ही आवाज उठाई। परंतु मेरा मानना यह है कि आज जो कुछ भी किया है वो हमने केवल एक वैधानिक रूप से कश्मीर के भारत में विलय को अंतिम रूप दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि घाटी के लोगों के अंदर आज भी जो जब तक उनको ये विश्वास नहीं होगा कि 370 के द्वारा उनका विकास रुका है, उनका 70 साल पीछे हुए चले गए हैं, पूरे देश की दौड़ में पिछड़ गए हैं, इसका विश्वास दिलाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कश्मीर घाटी में लोग जानते नहीं हैं कि उन्होंने क्या खोया है। इन 370 सालों में वहां कोई निवेश नहीं आया, कोई विदेशी नियंत्रण लेके पैसा लेके नहीं आया, किसी ने वहां संपत्ति खड़ी करने की कोशिश नहीं की, उद्योग कारखाने नहीं लगे, वहां के छात्रों ने ऊंची शिक्षा नहीं प्राप्त की, बाकी विश्वविद्यालयों को वहां का लाभ नहीं मिला, तो वहां की जनता ने बहुत कुछ खोया है। और ये बात कश्मीर की जनता को, खासतौर से घाटी की जनता को समझना आवश्यक है कि उनके युवकों का भविष्य, उनके कल कारखानों का भविष्य और कश्मीर की उन्नति का की कुंजी 370 समाप्त होना है। जैसा माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि आपने 70 वर्ष 370 को दिए, अब केवल 5 वर्ष हमको दीजिए, 5 वर्ष में कश्मीर को मैं स्वर्ग बना दूंगा, भारत की सबसे मजबूत रियासत बना दूंगा, इसमें बहुत दम है। और ये बात वहां की जनता को समझ में आती है। आज वहां ग्राम प्रधानों के साथ में उन्होंने जब इंटरेक्शन किया और वहां पे कहा कि हम आपको सीधा पैसा देंगे, आपके अधिकार क्षेत्र बढ़ाएंगे और उसको आप सीधा अपने विकास कार्यों में लगाइए, गांव का निर्माण दिखना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि यहाँ विकास हो रहा है, और इसलिए उन्होंने कहा कि विकास के द्वारा हम यहाँ की जनता का दिल जीत लेंगे। तो ये जो मानसिक लड़ाई है, हृदय की लड़ाई है, ये हृदय की लड़ाई अभी लड़ना बाकी है, और इसलिए हम कानूनी लड़ाई हम जीत गए हैं, परंतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार करने के लिए हमें जन जन के हृदय में भी ये विश्वास जगाना पड़ेगा कि आसे तो हिमाचल भारत एक है, और भारत के केंद्रीय शासन को कश्मीर की भी उतनी ही चिंता है जितनी किसी अन्य राज्य की, और वहां का जो निवासी है वो सब प्रकार से समृद्धि को प्राप्त करने जा रहा है, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसको बहुत अच्छा एक मौका दिया गया। ठीक है, जरा ओपी सिंह साहब के पास चलेंगे। ओपी सिंह साहब, क्या लगता है कि जितने प्रखर वो राष्ट्रवादी थे उतने प्रखर वो हिंदूवादी भी थे? हिंदू महासभा, वीर सावरकर का को प्रेरणा मिली उनको, वीर सावरकर के साथ उन्होंने काम किया। अभी विजेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि बलराज मधोक को हमने भी सुना यहाँ पर हुसैनगंज में भाषण देते हुए, लेकिन जब वो बात करते तो कट्टर हिंदू की बात करते थे, तो एक पूरा मिश्रण था राष्ट्रवाद का उनके पास। देखिए, हमारा जहां तक मानना है कि मुखर्जी जी जितना राष्ट्रवादी थे और जितने बड़े हिंदूवादी थे उससे कहीं बढ़कर के मानवतावादी थे जी। उनकी सोच जाति या किसी संकुचित दायरे में नहीं था। उनकी जो सोच थी वो अखंड भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र के प्रति जिनके मन में सम्मान है, उन सब के प्रति उनके लोक कल्याण के लिए या उनके विकास के लिए या उनके वजूद को और मजबूत करने के लिए उनकी एक सोच थी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है राष्ट्रवाद के प्रति, मानवतावाद के प्रति, उसमें कहीं न कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा से ही ये चीजें भारतीय जनता पार्टी में जो आई या जो उसकी नींव मजबूत हुई या जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की अगर प्रेरणा न रही होती तो मैं ये कहने में संकोच नहीं कर सकता कि आज जो हम दिन देख रहे हैं वो शायद 70 साल की जगह 75 साल होता, 80 साल होता। लेकिन उनकी जो परिकल्पना, उनकी जो सोच थी और अखंड भारत की जो सोच थी भारतीय जनता पार्टी के मन में थी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई गुपचुप तरीके से नहीं, उसने अपने संकल्प पत्र में डाला कि हम धारा 370 35 ए को समाप्त कर करके इसको हम राष्ट्र के साथ मुख्य धारा से जोड़ेंगे। और इतना ही नहीं है,
सरकार का ये बहुत बड़ा, अभी जो ये बता रहे थे वीरेंद्र जी, कि सरकार की एक बहुत बड़ी रणनीति है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बहुत तेजी के साथ इसका विकास किया जाए, चाहे उसके लिए जितना भी धन देना हो, चाहे जितना जो कुछ भी करना हो, और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके विकास करने के लिए वो सरकार के संकल्प है। देखिए, ऐसा नहीं है कि धारा 370 हटा दिया। धारा 370 हटाने के बाद सरकार मुद्दे पर और हर पहलू को सोच समझ कर उठाया है और उस पर वो खड़ा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, चाहे वहां का आंतरिक मुद्दा हो, चाहे वहां का विकास का मुद्दा हो, चाहे विपक्षी पार्टियों का विरोध का मुद्दा हो, वह सब पर दो दो हाथ करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख की विकास के लिए और मजबूती के लिए सरकार के संकल्प है। और यह पूरा देश नहीं, यह पूरा विश्व देखेगा अगले साल 6 महीने के अंदर कि किस प्रकार से इसका विकास होगा। चलिए सर्वेश जी का रुख करते। सर्वेश जी, जिस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी राजनीति शुरू की थी 1923 में, उस समय तक स्थितियां काफी विकट हो गई, हो चली थी। एक और अंग्रेज राज अपना देश छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, हालांकि वो अंतिम सांसें ले रहे थे, लेकिन जाते जाते वो सारी चीजें गड़बड़ करके जाना चाह रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस थी जो, और तीसरी तरफ मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग अपनी बातों पर अड़ी थी और द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर देश आगे बढ़ रहा था। ऐसे में मुखर्जी साहब का उभर के सामने आना काफी बड़ी चुनौती थी उनके सामने, इन तीनों चीजों से लड़ने की। देखिए, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले भारत में जो प्रेसिडेंसी स्थापित की वो कलकत्ता में की, और उन्हीं ने बंग को भंग करने का निर्णय लिया जिसका कि समाज ने विरोध किया। फिर दूसरी प्रेसिडेंसी उन्होंने मद्रास में, उसमें भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने काफी हिस्सा लिया। उन्हीं के जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी जो थे वो तो थे ही जी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खुल करके और एक राष्ट्रीय दृष्टि रखा। बार बार एक बात आती है, जहां मुस्लिम की बात आती है वहीं हिंदू कह दिया जाता है। भारत के नाम युगानुरूप रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। जब यह सतयुग था तो इसका देश का नाम था ब्रह्मऋषि देश, जब त्रेता आया तो भारतवर्ष हुआ, द्वापर हुआ तो आर्यावर्त हुआ। ये कलयुग है, ये शक्ति का स्थान है, इसलिए हिंदू स्थान है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू एक जीवन पद्धति है और इसलिए ये संप्रदाय नहीं है। इसलिए मुस्लिम के आधार पर इसको संप्रदाय के रूप में जो प्रस्तुत करते हैं राजनीतिक लोग, वो इस देश के साथ और इस समाज के साथ अन्याय करते हैं, और इसलिए इसको समझने की जरूरत है। और जहां तक हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व के माने ये नहीं है, हिंदुत्व के माने राष्ट्रीय और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं। राष्ट्र की एक बड़ी कल्पना है, वेदों में वर्णन है कि राष्ट्र माने ये है जो प्रकृति है, संपूर्ण प्रकृति वो राष्ट्र है। और उसके लिए जब राष्ट्र की हम प्रकृति की बात करते हैं तो ये केवल हिंदू समाज है जो खंड खंड नहीं देखता, वो समग्र में देखता है। और इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इन सब में प्रवीण थे, वो जानते थे कि भारतीय की संस्कृति क्या, भारत का ज्ञान क्या, और इसलिए वो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे, सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर थे। और इसलिए उन्होंने जो इस देश को समझा, इस देश की संस्कृति को समझा और उसको राजनीति में उतारने का जो काम किया, वो उनका सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा। वो अगर रहते और दीनदयाल जी रहते तो ये जल्दी पूरा होता। ठीक बात नहीं, वो बात ठीक है कि अगर रहते तो जल्दी पूरा हो जाता। मैं आपसे समझने की ये कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिस जब 1908 में मुस्लिम लीग बनी थी, 6 में 8 में मुस्लिम लीग बनी थी, उसके बाद जिस तरह से 33 में ये द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को वहां पर प्रस्तुत किया गया, कांग्रेस भी इसके सपक्ष में थी, तो तीन तरह से लड़ना पड़ रहा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। देखिए, कांग्रेस में तीन प्रकार के लोग थे जी, आज वो उसका इतिहास है। एक साम्यवादियों का उसमें समावेश था, एक वो लोग थे जो अपने को प्रगतिशील कहते थे, लिबरल कहते थे, एक जो भारतीय संस्कृति से जुड़े लोग थे जैसे तिलक जी थे, ऐसे कई लोग थे। तो जिन्होंने कांग्रेस को इसको केवल प्रतिवेदन वाली संस्था के बजाय इस देश को स्वतंत्र कराने की संस्था बनाया, वो ऐसे राष्ट्रवादी लोग थे। तो इसलिए वो जो जिनका जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे कांग्रेस की दिशा दशा बदलती गई और कांग्रेस का विभाजन भी होता गया। और इसलिए कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी थे उनको चारों तरफ संघर्ष करना पड़ रहा था, और मुस्लिमों को जो खड़ा किया गया है उसमें इस्लाम को खड़ा करने का काम अंग्रेजों का ही है, और उन्हीं ने इसको जो है खड़ा कराया। मैं यही कह रहा था कि एक तरफ अंग्रेज मुस्लिम लीग को बढ़ावा दे रहे थे, कांग्रेस अलग थी, तो तीन तरह से लड़ाई करनी पड़ रही थी। रुक करेंगे जरा वीरेंद्र जीत सिंह जी का। वीरेंद्र जीत सिंह जी,
जब कश्मीर में वो बिना परमिट के गए थे, तब आप शायद साथ में होंगे, तो क्या अनुभव रहा उस समय का आपका? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसको परमिट का जो नियम था उसको तोड़ने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। माधोपुर नाम की जगह है, वहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पठानकोट के पास में स्थान था वहां पे रुके थे, और वहां पर उन्होंने कहा कि मैं बिना परमिट के राजाज्ञा का उल्लंघन करके सत्याग्रह करूंगा। के साथ में और कई लोग थे, तो उसमें उनका पूरा जत्था था जनसंघ का, और उन्होंने जब सत्याग्रह किया तो उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शेख अब्दुल्ला की नीतियों के खिलाफ सत्याग्रह किया। शेख अब्दुल्ला ने ये नीति बनाई थी 370 के कारण कि भारत के बाहर का कोई भी व्यक्ति यदि राज्य में आएगा तो उसको परमिट लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ये कौन सा नियम है कि एक प्रांत का व्यक्ति दूसरे प्रांत में जाए, अगर हमारा विलय हो गया है तो हम ये परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसी बात को जम्मू के लोग भी उत्पीड़ित अनुभव करते थे क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता था, तो प्रजा परिषद इसको जम्मू में उठाती थी कि आप हमारे हिंदुओं के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, 370 के नाम पर जम्मू का पूर्ण रूप से शोषण कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने आंदोलन चलाया था, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सांकेतिक रूप से ये सत्याग्रह करने के लिए वहां धरने पे बैठे और परमिट के बिना जाने का प्रयत्न किया, और तब उनको सत्याग्रह के नाते गिरफ्तार करके श्रीनगर ले जाया गया और उनको वहां पे नियुक्त कर लिया, जेल में बंद कर दिया गया। जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस बात को पूर्ण रूप से जानते थे कि ये जो नियम बन रहे हैं ये नियम से देश का भला होने वाला नहीं है, और इसका प्रतिरोध करने के लिए, विरोध करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। ठीक है, ओपी सिंह साहब, 1946 में जब नवा खोली यानी कि जब अलग होने लगे राज्य, उसके बाद जिस तरह से मुस्लिम लीग ने एक बड़ा आंदोलन चलाया, मार काट किया नवा खोली में, उस समय भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने काफी जम के आंदोलन किया। जी, जब भी अलगाव की और विभाजन की बात आई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हमेशा इसका विरोध किया, और कांग्रेस जो थी वो बराबर जो है अपने अपनी अपने तुष्टिकरण की राजनीति के कारण, क्योंकि ये तुष्टिकरण की कांग्रेस की जो राजनीति है वो इधर एक 10-5 साल की नहीं है, जब से देश आजाद हुआ है तब से इनकी तुष्टिकरण की नीति रही है, और उस तुष्टिकरण के नीति के कारण इन्होंने कई प्रदेशों का और देश के कई हिस्सों का न केवल सत्यानाश किया है बल्कि वहां के रहने वाले लोगों को भी विकास की लड़ाई में काफी उन्होंने पीछे कर दिया है। आप देखिए आज भी वो कांग्रेस भ्रम की स्थिति में है कि जहां 130 करोड़ देश की जनता वह सरकार के इस निर्णय के, इस साहसिक कदम के, इस ऐतिहासिक भूल के सुधार के लिए वह खुशी मना रही है, वही जो है कांग्रेस गम मना रही है और दुखी है, और कौन कौन से पैतरे अपना रही है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, और किस तरह के लोगों के साथ सहयोग से मिल करके। देखिए, जब कश्मीर का, जब दूसरा आधुनिक भारत के कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और उनकी कैबिनेट ने एक साहसिक कदम लेते हुए इसमें किया, वही एक और लिखा जाएगा कि ये राष्ट्रहित के विरोध में, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उस दिन कांग्रेस, टीएमसी, सपा, आरजेडी, जेडीयू, सीपीआई, सीपीएम, एनसी, पीडीपी, इन लोगों ने विरोध किया। ठीक है, ये दोनों इतिहास लिखा जाए। ठीक है, ओपी साहब, वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला, एक और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो सर्वेश जी से समझने की कोशिश करेंगे कि नेहरू के सामने खड़े थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और गांधी और पटेल के काफी करीब नजर आ रहे थे, और उन्हीं के, गांधी और पटेल के कहने के बाद ही उन्होंने मंत्रिमंडल ज्वाइन किया था, तो क्या ये नेहरू की आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस की वजह से ही उनको अपना अलग हिंदू महासभा और फिर आरएसएस और जनसंघ बनाना पड़ा था? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सर्वेश जी का रुख करेंगे। सर्वेश जी, तीन महान विभूतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी, ये तीन महान विभूतियां थी और उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे, उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कि कैबिनेट ज्वाइन करने के, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जब गांधी जी ने और हमारे पटेल जी ने उनको फोर्स किया, उनको कहा, तब जाके उन्होंने मंत्रिमंडल का में जाना स्वीकार किया। क्या लगता है कि जो नेहरू की फिलॉसफी थी वो मैच नहीं खाती थी उनसे? आपने सही प्रश्न किया। नेहरू भी देश से बाहर शिक्षा पाए जी, गांधी जी ने भी बाहर शिक्षा पाई, पटेल जी ने भी शिक्षा पाई जी। और पटेल जी के साथ में मैं एक नाम और जोड़ता हूँ जी, और वो नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, वो भी बाहर शिक्षा पाए। लेकिन दैव योग से ये चारों जो हैं, नेहरू जी को छोड़ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से सहित, इनकी सबकी दृष्टि शिक्षा बाहर पाने के बाद भी भारतीय दृष्टि रही है, और भारतीय दृष्टि के कारण ये गांधी जी के और पटेल जी के कहने पर उन्होंने ज्वाइन किया। और जो ये पश्चिमी दृष्टि, क्योंकि वो रशियन पैटर्न लाए नेहरू जी इस विकास के लिए, राजनीति के लिए, वह रशियन पैटर्न जो है वो सरकारवाद उसको पसंद नहीं करते थे, वो भारतीय दर्शन को पसंद करते थे। और इसलिए यहाँ डेमोक्रेसी जो है भारतीय दर्शन में है, ये जो सरकारी तंत्र है जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं, ये डेमोक्रेसी नहीं है। और इसलिए सही माने में अगर डेमोक्रेसी को समझने वाले थे तो गांधी जी थे, पटेल जी थे, अम्बेडकर जी थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और इस कारण से वह जो विश्वास नेहरू जी के साथ होना चाहिए था, वो विश्वास श्यामा प्रसाद जी का नहीं था। और उसका ही परिणत है कि नेहरू जी के रहते हुए और श्यामा प्रसाद जी की, मैं तो कहूंगा कि उनकी बलिदान जो है उनकी हत्या है, और इसके लिए कहीं ना कहीं नेहरू जी स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए जो है नेहरू जी का उनसे विश्वास ना होना यह स्वाभाविक था। आपने बहुत बड़ी बात कही। जरा बीरेंद्र सिंह जी का रुख करेंगे। बीरेंद्र सिंह जी, सर्वेश द्विवेदी जी कह रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई थी। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ऐसा कहा गया कि हार्ट का दौरा पड़ा था और वो जिस गेस्ट हाउस में थे उसमें उनको किसी ने भी ठीक से अटेंड नहीं किया। उनका इतना सीवियर हार्ट अटैक होने के बाद भी उनको अपने गेस्ट हाउस से अस्पताल तक नहीं ले गए। रात भर उनको ऑक्सीजन वगैरह कोई भी ऐसी उन्होंने ऐसी हेल्प नहीं दी। और इसलिए ये माना गया कि हत्या कहें या ना कहें, परंतु लापरवाही तो थी ही। कश्मीर शासन ने, खासतौर से शेख अब्दुल्ला ने, उनको सामान्य कैदी की तरह से उनको ट्रीट किया। और उनको जब हार्ट अटैक पड़ा उसके बाद जो सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए थीं वे उनको सुविधाएं नहीं दी गईं। और इसलिए अचानक सुबह हम लोगों ने, कश्मीर में उस समय हम रहते थे, तो उस समय सुबह हम लोगों को कहते सुना कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहे। यानी 24 घंटे पहले तक वो स्वस्थ थे और सुबह जब ये समाचार फैला कि वो नहीं रहे तो कहा जी उनको हार्ट अटैक हो गया था। परंतु वास्तविकता ये है कि उनको कोई मेडिकल केयर मिली ही नहीं, नहीं, और उनको लापरवाही के कारण मरने दिया गया। सर, एक और आप चीज, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे। हम फिलॉसफी की बात करें, दर्शन की बात करें, उनकी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो फिलॉसफी थी वो नेहरू से मैच नहीं करती थी, बल्कि क्या आप क्या मानते हैं कि वो उनकी फिलॉसफी किसके ज्यादा नजदीक थी, गांधी जी के या हमारे पटेल जी के? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संविधान सभा के सदस्य होने के पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी भारत के नव निर्माण में पूर्ण योगदान देना चाहते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में उन्होंने सक्रियता से भाग लिया और वो किसी प्रकार से भी असहयोग नहीं करते थे। परंतु जब लियाकत अली और पंडित नेहरू का समझौता हुआ और उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये चाहते थे कि बंगाल में 1950 के दंगे में और जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे उनके कारण बहुत अशांति थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने पत्र भी लिखा था कि आप बंगाल के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ कीजिए और पाकिस्तान से बातचीत कीजिए। वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो करणीय था वो नहीं किया और इसके कारण बंगाल के हिंदुओं को असंख्य कष्ट उठाने पड़े। और इस
नीति भेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। जहां तक सरदार पटेल का सवाल है, सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभी भारत के साथ कश्मीर के पूर्ण विलय के पक्षधर थे। सरदार पटेल ने तो जस्टिस मेहरचंद महाजन को महाराजा का एडवाइज़र बना के भेजा था, और इसलिए भेजा था कि आप महाराजा को बार बार ये सलाह दीजिए कि भारत के साथ मिलने में ही हित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी यही चाहते थे। तो ये बात कही जा सकती है कि जहाँ तक कश्मीर के विलय का संबंध है, सरदार पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ही स्थान पर खड़े थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में उस समय ये भिन्न स्थिति थी कि वो एक तरफ लॉर्ड माउंटबेटन से प्रभावित थे और एक तरफ शेख अब्दुल्ला से प्रभावित थे, और इसलिए वो उतना कश्मीर की समस्या को स्वयं सुलझाना चाहते थे। वे कहते थे कि मैं कश्मीरी हूँ, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है, और इसलिए कश्मीर की समस्या मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सारे राज्यों का पुनर्गठन और विलीनीकरण जो था सरदार पटेल को सौंपा गया, जबकि वो होम मिनिस्टर थे, परंतु कश्मीर की जिम्मेदारी पंडित जी ने स्वयं ले ली अपने ऊपर, इसलिए कि मैं कश्मीरी हूँ। परंतु उनका जो शेख अब्दुल्ला के प्रति रुझान था, उसके कारण ये सारी समस्याएं पैदा हुई। जहां तक महात्मा जी का सवाल है, तो महात्मा जी को वो बहुत पूज्य मानते थे, उनका सहयोग भी करते थे, बड़ा आदर करते थे, और इसलिए महात्मा जी के आदेश के कारण ही उन्होंने कैबिनेट भी ज्वाइन किया। परंतु नोआखाली के उसके बाद, और खासतौर से जिन्ना की एक डायरेक्ट एक्शन की कॉल के बाद, 1946 की कॉल के बाद में उनका मन खट्टा हो गया। उनको लगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, और वो तब हिंदू महासभा में सक्रिय हो गए। जी ठीक है, हम ओपी सिंह साहब का रुख करेंगे। ओपी सिंह साहब को जाना भी है, थोड़ा पहले जाना है। ओपी सिंह साहब, क्या लगता है कि आज जो 370 की धारा हटी है, धारा ही कहते थे स्वामी प्रसाद, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसको धारा ही कहते थे, अनुच्छेद कभी नहीं कहा उन्होंने, ये सही मायने में उनके लिए एक, हम कह सकते हैं कि उनका जो बलिदान था आज, वो पूरी तरीके से सफल हुआ है? जी बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बहुत सही और बहुत उचित बात कही है कि 1953 में जो इस परिकल्पना के साथ उन्होंने अपना बलिदान दिया, वो 66 साल बाद उस सपना को वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। ये मैं मानता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति जहां उन्होंने बलिदान दिया, जिसके लिए बलिदान दिया, वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो जाए, पूर्ण रूप से विलय हो जाए, एक सच्ची श्रद्धांजलि कल उनको और आज लोकसभा में भी दी जा रही है, और ये उनके सपनों को साकार होने पर उनके प्रति इससे बड़ी और इससे अच्छी श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। एक प्रकार से इस पूरे देश ने उनके सपनों को साकार होते हुए देखकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ओपी सिंह साहब आपका शुक्रिया, सर्वेश जी आपका शुक्रिया, और वीरेंद्र जीत सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अपने बहुत शानदार अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए और के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकते हैं, जो धारा 370 को स्क्रैप किया गया है, हटाया गया है, जो इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, वो सच्चे अर्थों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए श्रद्धांजलि है। इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। धन्यवाद।